लेट्स डिस्कस एंटी पायरेटिक। अब देखिए, एंटी पायरेटिक इज ए क्लास ऑफ ड्रग विच इज इफेक्टिव अगेंस्ट द फीवर, यानी ये वो ड्रग है जो बॉडी टेम्परेचर को डाउन करेगा, याद रखना। सो द ड्रग विच लोअर्स द बॉडी टेम्परेचर इज नोन एज एंटी पायरेटिक। इसको हम लोग एंटी पायरेटिक कहेंगे। अब याद रखना, नॉर्मली सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारा जो सीएनएस है, वहां भी हाइपोथैलेमस का ये रोल होता है कि वो बॉडी टेम्परेचर को बैलेंस करे, यानी फॉर्मेशन ऑफ हीट या प्रोडक्शन ऑफ हीट और लॉस ऑफ हीट, इस चीज को बैलेंस करने का काम हमारा हाइपोथैलेमस करता है, याद रखना। सो सीएनएस ऑफ आवर बॉडी सिस्टम, स्पेशली हाइपोथैलेमस बैलेंस बैलेंस द फॉर्मेशन ऑफ हीट एंड लॉस ऑफ हीट बाय अवर बॉडी। तो ये काम हाइपोथैलेमस का होता है, इसलिए हाइपोथैलेमस को हम लोग थर्मोस्टैट कहते हैं। इट इज पॉपुलरली नोन एज थर्मोस्टैट ऑफ अवर बॉडी। सो दस हाइपोथैलेमस इज नोन एज थर्मोस्टैट ऑफ अवर बॉडी। इसको हम थर्मोस्टैट कह सकते हैं। अब यहां पे क्या होगा, जब हमें बुखार आता है तो बुखार आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ड्रग लेते हैं। कौन सा? एंटीपायरेटिक। तो एंटीपायरेटिक क्या करेगा, रिसेट करेगा थर्मोस्टैट को एट नॉर्मल टेम्परेचर। सो रिमेम्बर, एंटीपायरेटिक रीसेट द थर्मोस्टैट एट नॉर्मल टेम्परेचर। ये चीज एंटीपायरेटिक करेगा। अब इसमें एंटीपायरेटिक ड्रग का मेन काम कौन सा होता है, कि फॉर्मेशन ऑफ हीट के मुकाबले लॉस ऑफ हीट बढ़ाएगा, जिसके वजह से हम लोगों को पसीना आएगा, परस्पिरेशन बढ़ेगा और बॉडी टेम्परेचर जो है वो डाउन होगा। सो व्हाट हैपेंस, एंटीपायरेटिक ड्रग इंक्रीजेस, इट इंक्रीजेस लॉस ऑफ हीट देन द प्रोडक्शन ऑफ हीट बाय द बॉडी, यानी हमारी बॉडी जितनी हीट बनाती है उसके मुकाबले हीट लॉस का रेट जो है वो बढ़ाएगा। सो दस रेट ऑफ परस्पायरेशन इंक्रीजेस इंक्रीजेस एंड बॉडी टेम्परेचर डिक्रीजेस एंड बॉडी टेम्परेचर डिक्रीजेस, याद रखना। अब इसमें हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं एस्पिरिन, फॉर एग्जाम्पल एस्पिरिन, उसके बाद पैरासिटामोल, इनको हम एंटीपायरेटिक के तौर पे यूज कर सकते हैं, फिनासिटिन, उसके बाद नोवालजिन, उसके बाद फेनिल ब्यूटाजोन एटसेट्रा आर द फेमस एंटीपायरेटिक ड्रग्स। अब इनमें भी एस्प्रिन के बारे में एक चीज याद रखिए,
एम्प्टी स्टमक एस्पिरिन को नहीं लेना चाहिए। इसके पीछे का कारण यह है कि एस्पिरिन अगर आप एम्प्टी स्टमक लेते हो तो इंटरनल वॉल्स की ब्लीडिंग हो सकती है, उसके बाद इंक्रीज इन थर्स्ट, वोमिटिंग सेंसेशन, नोजिया, दीज आर द सेवरल साइड इफेक्ट्स। और कुछ कुछ ऐसे पर्सन जो एलर्जिक है तो एलर्जिक लोगों में एक एलर्जिक रिएक्शंस भी आ सकते हैं एस्पिरिन के वजह से। दैट्स व्हाई नॉर्मली कैल्शियम सॉल्ट्स आप एस्पिरिन मस्ट बी टेकन, उनके साइड इफेक्ट्स कम होते हैं। सो इट वॉज ऑल अबाउट एंटीपायरेटिक्स।